नमस्कार दोस्तों, प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लोगों के बीच में पहुंचे हैं फैक्ट जानने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा का, डेरा सच्चा सौदा का। समाज के लोग, जनता उनके बारे में क्या जानती है, क्या कहती है, क्या बताती है, ये आपको सीधा दिखाएंगे। सूत्रों के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं, कोई खबर नहीं, सीधा जनता के मुंह से क्या कहना चाहती है जनता। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवी सह है। और क्या काम करते हो सर आप? मैं जॉब करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हूँ मैं गवर्नमेंट ऑफिस में। जी सर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में क्या जानते हो, किस तरह के हैं वो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा से 1983 से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। और जुड़ने के बाद मैंने जीवन की वास्तविकताओं का दर्शन यहाँ किया कि जीवन की वास्तविकताएं क्या होती हैं, वो मैंने यहाँ पाई और समाज में इनका पूरी तरह से अनुसरण कराया, इसके बहुत सारे बेनिफिट उठाए, अपनी गृहस्थी को, अपने समाज को अच्छाइयों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में इस डेरा सच्चा सौदा की जो सीख मिली उससे काफ़ी सहायता मुझे मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा ने या पूज्य गुरुजी 1991 से इस डेरा सच्चा सौदा में है, उन्होंने दुनिया को बदलने में किसी स्तर पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाज की वास्तविकताओं से समाज को अवगत कराया है, चाहे वो अध्यात्मवाद हो, चाहे सामाजिकता हो, व्यवहारिकता हो, संस्कारिकता हो, सबसे पूरी तरह से परिचय कराया है और उन्होंने समाज को एक अच्छाइयों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूज्य गुरुजी का ये पावन संदेश जमाने को, इस दुनिया को ना मिलता तो दुनियादारी गंदगी में पलती रहती, बहती रहती और अपने जो अपने जनरेशन का, अपने परिवार का एक नरकीय जीवन बना लेती पूरी तरह से। उन्होंने जवान लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नई जो जनरेशन है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पूरी उनको अच्छा संदेश दिया, एक अच्छाई का, सच्चाई का संदेश दिया। और जो नई जनरेशन है उसको चैस्टिटी का पाठ पढ़ाया, जो जीवन का सबसे अमूल्य चीज़ है कि यदि किसी के पास चैस्टिटी है, पवित्रता है, सतीत्व है उसका, तो सब कुछ उसके पास है, यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो उसका लेसन पढ़ाया और आज समाज ये दुनियादारी उनके पावन आदेशों से, आदर्शों पे चल करके, उनकी शिक्षा पे चल करके निरंतर ऊंचाइयों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ चल रही है। खूनदान जिसे कोई अपने परिवार के किसी भी आदमी को देना नहीं चाहता, पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से लोगों ने अपने एक एक बार ने 20-20 बार अपने अपने आप को खूनदान किया है। इसके अलावा किडनी दान भी की लोगों ने, यानी शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिसको उन्होंने दान कर दिया, दान ना किया हो समाज की, समाज के लिए, वो केवल गुरुजी की पावन प्रेरणा से। कहाँ कहाँ किस किस तरफ की हम उनकी बातें करें कि कहाँ कहाँ किन किन बातों की पवित्रता उन्होंने समाज को दी है, हर क्षेत्र में, हर स्टेज पर जा करके उन्होंने इस दुनिया को नया अच्छा संदेश दिया है और आज समाज उनकी पावन आदर्शों पर चलकर एक निरंतर ऊंचाइयों और अच्छाइयों और सच्चाइयों और पवित्रता को बनाए हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर गुरुजी 2-3 साल से लगभग यहाँ हमारे बीच में नहीं है, हालांकि साथ संगत आज भी उन्हीं के पावन आदर्शों का पालन कर रही है, यदि वो भी इस बीच में होते तो कितनी सारी दुनिया इस बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ लग जाती। और जो कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं किसी न किसी कारण से, वो भी ना भ्रमित होते, अच्छाइयों की तरफ चले जाते। सबसे जो अहम बात वो है कि यहाँ पे अध्यात्म जो है वो केवल ये है कि इस दुनिया में एक इंसान आता है और एक चला जाता है, फिर आखिर आता किस लिए है और चला कहाँ जाता है, तो इस वास्तविकता का परिचय कराया और राम नाम से जोड़ा कि जीवन का असली मकसद उस राम नाम की भक्ति करना है, उस प्रभु परमात्मा को याद करना है और उस आखिरी वक्त के लिए जिस समय कोई भी दुनिया का कोई सहायक नहीं होता है, तो उस सहायता के रूप में बताया, उस राम नाम से जोड़ा और ऊंचाइयों के, अच्छाइयों के दर्शन कराए। मैं पूज्य गुरु जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका अनुयायी हूँ सदा से। मेरे परिवार, मेरा समाज पूरी तरह से बदला है, तो समय जिब्बा में कोई ताकत नहीं है कि उनके जो उपकारों का वर्णन हम कर सकें, हर सांस सांस में उनका उपकार का गुणगान करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बीच में जल्दी से जल्दी आएँ। और समाज के जो जिम्मेदार हैं, रहनुमा लोग हैं, जो प्रसाद जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे ये प्रेरणा करना चाहता हूँ कि वे अपनी बातों को ना जोड़ें इस बात के लिए, वो केवल जोड़ें इस दुनिया को कि कितने दुनिया उनके पावन आदर्शों पर चल करके ऊंचाइयों पर, अच्छाइयों पर चली है, पहुंची है, तो वो अपने बारे में ना सोचें, इस दुनियादारी के बारे में सोचें। और पूज्य गुरुजी की जो दुनियादारी कोई अनजान नहीं है, हर गिनीज बुक भरा पड़ा है, 72-73 उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे ही नहीं किए, जब कोई अच्छा कार्य करता है तभी तो गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, उन्होंने 72-73
ब्लड डोनेशन के जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी 73 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके गिनीज बुक ऑफ में नाम दर्ज है उनका। तो ऐसे ही नहीं किया, तो कम से कम अगर वो हमारे बीच में होते तो और भी और ऐसे अच्छे कार्य करते, कराते समाज से और अच्छाइयों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाते। तो मेरे समाज से, मेरे समाज के जो जिम्मेदार रहनुमा लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अपनी राजनीति की बातें छोड़ करके उनको समाज की अच्छाइयों में लगाने के लिए वापस भेजें, समाज के लिए समर्पित करें, समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सर। कितने लोगों की लाइफ को उन्होंने चेंज किया है, कितने के लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, जैसे लाइफ चेंज कर? मैं आपको बता दूं, मैं जब गाजियाबाद में यहाँ आया था 1983 में, कम से कम 50 लोग या 100 लोग कुल होते थे गाजियाबाद में। आज लाखों लोग गाजियाबाद में, अकेले गाजियाबाद में लाखों लोग हैं कि जो उनके अनुयायी हैं और उन्होंने अपने आप को बदला। मैं एक एक व्यक्ति को पारिवारिक तरीके से उनके पूरे पिछले बातों से जानता हूं कि जो दारू पीते थे, मांस शराब खाते थे, लापरवाही करते थे, मेहनत नहीं करते थे, आराम से बैठते थे, आज वो मेहनत करना सीख गए हैं और सच्चाइयों में, अच्छाइयों में लग कर रह गए। सारे नशे उन्होंने छोड़ दिए हैं, खान पान का स्तर उनका बदल गया है, पारिवारिक स्तर उनका बदल गया है, बच्चे ऊंचाइयों पर, उन्नति के रास्ते पर चले गए हैं। तो अकेले गाजियाबाद में लाखों लोग बदले हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कितने लोग बदले होंगे, ये आप अनुमान से लगा सकते हो। मैं समझता हूँ कि कई करोड़ लोगों को उन्हें बदल दिया है, कई करोड़ लोगों को उन्होंने बदला है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे संत महात्मा की इस समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जितने भी रहनुमा लोग हैं इस समाज की भलाई के लिए, उन सोचें और उनको वापस समाज को समर्पित करें। सर, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ, जो जिसका मुख्य बिंदु ही इस समाज को अच्छाइयों की तरफ लेके जाना है, हमारी परहेज तीन होते हैं कि आप मांस शराब नहीं खाना है, मांस अंडा नहीं खाना है, भराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना है। जब जिन्होंने प्राथमिक तौर से ही, प्राइमरी फाउंडेशन में ही ये चीज़ें हमको शिक्षा में दी और सारा समाज उनको अपना करके एक अच्छाइयों की तरफ रास्ते पर जा रहा है, तो वो खुद कैसे ऐसी बातों में हो सकते हैं? केवल एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो जैसे मारने की बात किसी की आती है, वो केस जो मैंने पढ़ा था, तो हमको तो ये शिक्षा दी है कि भाई चींटी भी अगर ज़मीन में चल रही है तो उसको भी आप देख के चलें कि वो भी न मर ना पाए, क्योंकि आगे हिसाब तो उस प्रभु को देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें उन्होंने रोकने का काम किया, तो हम किसी की मर्डर कैसे करा सकते हैं या किसी को प्रेरित कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठी बातें, राजनीतिक प्रोपोगंडा है, दूसरे लोगों के बनाए हुए प्रोपोगंडा है, वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। केवल और एक दिन ना एक दिन, बेशक चाहे विलम्ब हो रहा है, एक दिन ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी और फिर समाज को और समाज के बीच में वो आएंगे। फिर भी विलंब तो इस समाज को हो रहा है, नुकसान इस समाज को हो रहा है, तो इस नुकसान को समाज के को ना होने दें और समाज को वापस ला करके होना दें। सर, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी देखा जाए, हेडलाइंस जो बनी थी वो कुछ अलग था, जो आप बता रहे कुछ अलग, क्यों ऐसा हुआ? टीवी चैनल है, टीवी चैनल, हम लोगों ने टीवी चैनल के लोगों से भी बहुत ज़्यादा बात की, वास्तविकता उनके पास नहीं है। अगर किसी भी बात को, एक भी बात को अगर प्रूव कर दें, जो चलाया था उन दिनों में इतना लंबा चौड़ा चलाया था, कि एक भी बात प्रूव हुई है कोई? सिर्फ केवल राजनीति ओटीपी अपनी बनाने के लिए, जो टीवी चैनल से अपने ओटीपी बनाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। वास्तविकता कहाँ? अगर वास्तविकता थी तो वो कहाँ विलुप्त हो गई? आज अगर है वो वास्तविकता थी तो वो वापस क्यों ना आई? बहन हनीप्रीत के साथ जो उन्होंने दुनिया भर की बातें पैदा की, एक बहन बेटी को इस तरह दुनिया में बदनाम कर दिया, क्या वास्तविकता थी? तो फिर वापस क्यों नहीं आई वो वास्तविकता जो उन्होंने लाई थी? क्यों उसको जो है सम्मान से रिहा कर दिया गया? अगर वास्तविकता थी, अब वो जो उनका जो उन्होंने बदनामी की, क्या वो वापस आ सकती हैं? एक मैं आपको बता दूं, एक संत महात्मा ने के पास एक बहन गई, उसने कहा कि मैंने झूठे से किसी बाबा कुछ को बदनाम कर दिया है और मुझे बड़ा पश्चाताप है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये पंख ले जाओ, पंख दिए उन्होंने और पंख ले जा करके बोले तीसरे मंजिल पर चढ़ जाइए और इनको एक एक गिराइए और फिर पकड़ के लाइए। तो उसने कहा बहन ने कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, मैं कैसे पकड़ के ला सकती हूँ उस पंख को, क्योंकि उड़ेंगे यहाँ तो पहुँचेंगे कहीं और, दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, बहुत किसी भी क्षेत्र में पहुँच जाएंगे, मैं पकड़ के ला ही नहीं सकती। तो बोला यही बात होती है, किसी को बदनाम अगर आप कर रहे हो तो उसका प्रूफ रखिए, ऐसे बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बदनाम किया है, बातें पैदा की, अब ये वापस थोड़ी नहीं आ जाएंगी। मगर समाज तो जानता है, समझदार है, पूरी तरह से समझता है कि झूठी बातें हैं सब। तो मेरा सब फिर एक बार फिर कहना है कि रहनुमाओं से कि वापस उनको लेकर आए, समाज की मुख्य धारा में दें, समाज को उनकी ज़रूरत है और उन। थैंक यू सर। जनता को क्या बताओगे? जनता ने, क्योंकि जो देखा है, जो जाना है चैनल्स के थ्रू जाना है,
क्योंकि उनके माइंड में वो इमेज है। आप क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा, क्या मैसेज दोगे लोगों को? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता में समाज के बीच में भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, जमा समाज के लोगों से भी बहुत ज़्यादा परिचय मेरा होता है, मिला हूँ उनसे बहुत सारे समाज के माध्यम से। उन्होंने थोड़े दिन तो अपने आप को समझा कि ये मीडिया हो सकता है बातें करी, मगर उन्होंने देखा कि ये तो मीडिया सारी झूठ बोल रही है। अब वो वास्तविकताओं पे आ गए हैं, सारा समाज, सारा भारतवासी इस बात को मानता है कि सारी ये प्रोपेगेंडा की बातें थी, सच्चाई की तरफ वो अग्रसर हो चुके हैं और डेरे की जो सच्चाई है अच्छाई है आज सब मानते हैं। और क्योंकि डेरा सच्चा सौदे ने वो बात छोड़ी नहीं है, अपनी अच्छाई करना, ब्लड डोनेशन करना, किसी की मदद करना, उसको छोड़ा ही नहीं है, वो तो लगातार अग्रसर है और अच्छाइयों पर चल रहा है। तो समाज इस बात को देखता है कि डेरा सच्चा सौदा तो बदला ही नहीं है, वैसा का वैसा ही, गुरु जी को बेशक तुमने परेशान कर दिया है, मगर समाज पूरी तरह से आज भी डेरा सच्चा सौदा के साथ है, डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं के साथ है और उस पर निरंतर अग्रसर है, चल रहा है और समाज को उसका लाभ दे रहा है। हर महीने देखेंगे लाखों लोगों को राशन दिलाया जाता है, लाखों लोगों की ब्लड डोनेशन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। तो ये सब पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से ही तो है। अगर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी या समाज ये मानता कि डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी तो वहाँ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो आज भी डेरा सच्चा सौदा से मदद लेते हैं और डेरा सच्चा सौदा के लोग भाग आज भी लोगों की मदद करते हैं, निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं और करते रहेंगे, पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लगातार सर्वे कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए, जहाँ जनता हमें बता रही है कि आज करोड़ों नहीं अरबों लोग जो भारत देश के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के साथ खड़े हैं, उनका मीडिया की बातों पर, हेडलाइंस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये जनता के विचार, जनता की आवाज़ लगातार हम आपके सामने ला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, सीधी जनता की आवाज़ जो आपके सामने रख रही है कि किस तरह से करोड़ों अरबों लोग आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के साथ हैं, जिनका मानना है, जिनका कहना है कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वे सब झूठे बेबुनियाद हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।